गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था वैद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता, मोलर चालकता की, मोलर चालकता की गणना और मोलर चालकता की गणना के लिए सूत्र की स्थापना की थी। अब हम बात करेंगे चालकता, मोलर चालकता और तनुता में संबंध की। मोलर चालकता किसी भी वैद्युत अपघट्य की सांद्रता घटने के साथ साथ अर्थात तन्यता बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। समान सांद्रता वाले प्रबल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता समान सांद्रता वाले दुर्बल वैद्युत अपघट्य जैसे एस्टिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि प्रबल वैद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। अब हम बात करें अनंत तन्यता पर मोलर चालकता की। अभी आपको बताए हैं कि तन्यता बढ़ाने के साथ साथ अर्थात सांद्रता घटाने के साथ साथ मोलर चालकता का मान बढ़ता है, किंतु यह मान एक निश्चित समय तक बढ़ता है। अगर सांद्रता इक्वल टू लगभग जीरो के कर दें तो तन्यता का मान सॉरी मोलर चालकता एक नया मान प्राप्त करता है जिसे सीमांत मोलर चालकता कहते हैं, या एक सीमांत मान प्राप्त कर लेता है और उस स्थिति में वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का सीमांत मान उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहलाती है, लेमडा एम इनफाइनाइट्स। करेंगे तुल्यांक चालकता। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बात करें तुल्यांक चालकता की, तो तुल्यांक चालकता थोड़ा सा इसके लिए हम लोग को पुनः नॉर्मलता वाले समीकरण पे आना होगा। नॉर्मलता के लिए आप जानते हैं कि किसी भी विलयन के तुल्यांकों की संख्या, उसमें उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या निकालनी पड़ती है। और तुल्यांकों की संख्या आपको बताया गया होगा कि भार बटे तुल्यांक की भार, उस पदार्थ का भार बटे तुल्यांक की भार से उसके तुल्यांकों की संख्या की गणना कर सकते हैं। तो तुल्यांक चालकता की परिभाषा में हम कहें किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक को घोलने पर प्राप्त विलयन की चालकता को उसकी तुल्यांक चालकता कहते हैं। क्या कह रहे हैं? किसी विद्युत अपघट्य के अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक को घोलने पर प्राप्त चालकता विलयन की तुल्यांक चालकता कहते हैं, लेमडा EQ से या ऐसे प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा EQ बराबर कप्पा गुणे भी, जहां कप्पा और भी अलग अलग नियतांक है, भी होता है तन्यता, इसको हम लोग लिख सकते हैं लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट बराबर कप्पा गुणे 1000 बटा सी, या लेमडा इक्विवेलेंट बराबर
कप्पा गुणे 1000 बटा एन, जहां कप्पा पहले ही आपको बता चुके हैं क्या है, विशिष्ट चालकता एन, नॉर्मलता। मात्रक प्रति ओम सेमी स्क्वायर प्रति तुल्यांक है। नियतांक या सेल कांस्टेंट की, सेल नियतांक या सेल कांस्टेंट हैं कि सेल नियतांक। सेल नियतांक में आपको बताया गया था, इससे पहले भी थोड़ा सा बता चुके हैं, अब बात करेंगे हम सिर्फ उसकी परिभाषा की। किसी बिलियन में चालकता, चालक की लंबाई तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। क्या कह रहे हैं, किसी बिलियन के चालकता की लंबाई एल तथा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। क्या कह रहे हैं, किसी बिलियन में जो चालक की लंबाई एल तथा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। आपको बता चुके थे यहाँ एल तार की लंबाई न होके दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी है। इससे पहले भी आपको बताया था कि जब दो इलेक्ट्रोड किसी बिलियन में दो इलेक्ट्रोड डुबाते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, अगर ये विलयन है इसमें ये दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी L कहलाती है। इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुकों ने, अलग अलग राइटर ने इसको अलग अलग संकेतों को भी प्रयोग किया है। जी बराबर होता है एल अपान ए, अभी बता चुके परिभाषा से देखें तो जी बराबर एल अपान ए या कप्पा बराबर, क्योंकि इससे पहले आपको बता चुके हैं कप्पा बराबर होता है सी गुणे सेल नियतांक। या कप्पा बराबर सी गुणे एल अपॉन, एल अपॉन एक जगह जी रख दें तो जी बराबर हो जाएगा कप्पा अपॉन सी, जहां सी चालकता का सांद्रण प्रेक्षित सांद्रण है। सांद्रण है
जबकि कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता है। बात करेंगे चालकता, मोलर चालकता, सेल स्थिरांक और तुल्यांक चालकता से संबंधित कुछ गणनाओं की। सिंपली एक न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल है 0.5 मोल प्रति लीटर, 0.05 मोल प्रति लीटर NaMH विलयन कॉलम का विद्युत प्रतिरोध5.55 गुणे 10^3 ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसके प्रतिरोध चालकता तथा प्रतिरोध चालकता तथा मोलर चालकता की गणना कीजिए। हमको ज्ञात करना है विशिष्ट प्रतिरोध चालकता अर्थात विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता। तो सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी L की, A की, R की। L लंबाई, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और R उसकी त्रिज्या की। तो A बराबर हम जानते हैं होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आप सभी लोग जानते हैं, आर निकाल लेंगे। आर बराबर होता है व्यास बटे दो, क्योंकि किसी भी व्यास का आधा उसकी त्रिज्या कहलाती है। तो व्यास दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आर बराबर 1/2 अर्थात 0.5 सेमी। पाई का मान आप सभी लोग जानते हैं, या तो 22/7 रख लें या फिर 3.14। तो हम सीधे a बराबर लेते हैं 3.14 गुणे 0.5। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, सॉरी पाई आर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद ये आपका हो जाएगा 3.14 गुणे 0.5 गुणे 0.5 इक्वल टू 0.,, पूरा करेंगे तो ये आएगा 0.785 सीएम स्क्वायर। ये हो गई आपकी ए की गणना प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध बराबर आपको बताया गया था सूत्र में, प्रतिरोध R बराबर होता है रो इंटू एल अपान ए। पक्षांतर कर लें तो
रो बराबर हो जाएगा आर इंटू ए अपान एल। मान रख लें, आर का मान दिया हुआ है 5.55 × 10³ × 0.,। अभी आया है ए का मान 785 अपान एल का मान कितना है 50 सेंटीमीटर्स। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा लगभग 87.135 मात्रक क्या होगा इसका, ओम सेमी। अभी हमको ज्ञात करना है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता के लिए हमको जरूरत पड़ेगी विशिष्ट प्रतिरोध की, और विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान अभी हम लोग निकाले हैं, रो बराबर 87.135 ओम प्रति सेमी, ओम सेमी सॉरी। अब जानते हैं कि विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर होता है 1/ρ। 1/ρ का मान रखेंगे 87.135, तो ये आएगा लगभग 0.01148 साइमन पर सेमी। ये आपका क्या आ गया, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता आ गया। तो हम लोग बात करेंगे मोलर चालकता की। मोलर चालकता लेमडा यम बराबर होता है कप्पा गुणे 1000 / L, सॉरी सी, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कप्पा गुणे 1000 / m, जहां सी सांद्रता और सांद्रता किसमें, मोलरता में है। तो कप्पा गुणे 1000 / m मान रख दें, तो लेमडा यम बराबर कप्पा का मान निकल गया है 0.01148 × 1000 / m दिया हुआ है मोलर चालकता 0.05, तो 0.05 कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 229.6 साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल।